जालौन में जिला कारागार में वर्चस्व की लड़ाई के चलते गोलियां चली और इस दौरान एक सिपाही ने जेल ड्यूटी पर तैनात पीएससी के जवान को गोली मार दी, जिसमें पीएससी का जवान घायल हुआ। जिला कारागार के गेट पर हुए गोलीकांड से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और सूचना मिलने पर सीओ सिटी मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुटी। पूरा मामला उरई कोतवाली के जिला कारागार का है। आज शाम को जिला कारागार के बाहर फायरिंग की सूचना पर यहाँ पर थाना प्रभारी सीओ साहब और मेरे द्वारा यहाँ पर खुद आया गया है और यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि अभिषेक शर्मा नामक जो है पीएसी का एक आरक्षी जो प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पे है वो बाहर खड़ा था, तो उस पर वीरेंद्र प्रताप सिंह नाम का जेल का वार्डर जो कि जेल आरक्षी है उसने फायर कर दिया है, जो जेल के बाहर से उसने फायर किया है और गोली लगी नहीं है लेकिन उसने फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। उस पर तहरीर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।